सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना। ओ सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना। ओ तो भैया जी, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किस प्रकार हम बेंगलोर से हम्पी आते हैं, यहाँ की वास्तुकला एवं संस्कृति को देखकर दंग रह जाते हैं, विरूपाक्ष मंदिर को घूमते हैं, पत्थरों पर हुई अद्वितीय कलाकारी को निहारते हुए तुंगभद्रा नदी के तट की ओर जाते हैं, नदी की धाराओं से मन को शांति मिल जाती है, आसपास के प्राकृतिक नज़ारे मन को मोह लेते हैं, और उसके बाद की कहानी आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। यहाँ आप पहाड़ देख सकते हो, मतलब क्या पत्थर हैं, चारों तरफ ऐसे ही पहाड़ हैं यहाँ पर, और ये पत्थर इतने भारी भारी हैं भाई साहब, आप देखो लगेगा नहीं कहीं से भी ये पत्थर एक दूसरे जुड़े हैं, पर कभी गिरते ही नहीं हैं, ये अजूबा समझ में नहीं आता है। हमने जो ऑटो किया है उससे फ़ायदा हुआ है हमको, हमारे जो ऑटो वाले भाई साहब हैं वही हमारा गाइड का काम भी कर रहे हैं, और वो हमको एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से बता भी रहे हैं। विरूपाक्ष मंदिर से निकलते ही जस्ट सामने 1 किलोमीटर की मार्केट लगती है, वो सामने आपको विरूपाक्ष टेम्पल दिख रहा है, और ये वहाँ से पूरी जो किनारे किनारे बनी हुई है, ये पूरी एक मार्केट थी प्राचीन समय में जब विजयनगर साम्राज्य था, और यहाँ पर स्वर्ण रत्न जो होते हैं, सोने चांदी आभूषण पीतल लोहा तांबा, इन धातुओं का व्यापार होता था। अभी आए हैं गणपति मंदिर में, ये हेमकूट पर्वत आपने सुना होगा, रामायण में भी सुना होगा, और विजयनगर साम्राज्य में भी हेमकूट पर्वत आता है, तो अभी हेमकूट पर्वत पर हैं। ये जो मंदिर है गणपति जी का, ये कृष्णदेव राय जी जो विजयनगर साम्राज्य के शासक हुए हैं, उन्होंने खुद पूजा करने के लिए बनाया था, तो काफी अच्छा आर्किटेक्चर है, अंदर जाकर के देखते हैं। आई है जो ये मुश्किल की घड़ी, यारो खुद का तुम रखना ख्याल, रहना घर में है न मिलना सबसे है, सारी मानवता का है सवाल। आप यहाँ पर देखिए, ये प्रतिमा है एक, और ये पूरा एक पत्थर का शिलाखंड है, और इसमें प्रतिमा किस प्रकार से कितनी सफाई के साथ में उकेरी गई आप देख सकते हो। ये है दक्षिण भारत की वास्तुकला, और ऐसे हर खंभे पर आपको देखने को मिल जाएगा। गणपति मंदिर से कितना सुंदर व्यू आ रहा है, सामने तुंगभद्रा नदी की घाटी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और ये है हेमकूट पर्वत। यह है नंदी जी के मंदिर में, जो शिव जी के नंदी होते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, पर ये नंदी बाबा का मंदिर है। गणपति मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और नंदी मंदिर, ये तीन मंदिर हम घूम चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमने में। गणपति जी का मंदिर था वो कृष्णदेव जी का प्राइवेट मंदिर था, वहाँ पर राजघराने के लोग ईश्वर की उपासना करते थे, और ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, ये पब्लिक के लिए है, यानी कि आम जनता आती थी और गणेश जी के दर्शन करती थी, दान चंदा आदि चढ़ाती थी, तो ऐसा कुछ ये मंदिर है। मैं इस पे चढ़ रहा था तो पुलिस वाले अंकल ने कहा इस पे चढ़ना अलाउ नहीं है, पत्थर गिर सकते हैं। तो ये जो एरिया है पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे जो स्तंभों के ऊपर निर्माण किए गए हैं, तो ये यहाँ की मार्केट है, फूल फल सब्जियाँ आदि जो यहाँ पर बेची जाती थी विजयनगर साम्राज्य में, तो ये उसका पूरा मार्केट है यहाँ पर। भिजवादे दिए कितवादे दिए, तेरी आज ताए रात रात, तेरी आज ताए रात रात, वादे दिए कितवादे दिए, तेरी आज ताए रात रात, तेरी आज ताए रात रात। कुछ लीव 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 धन तेरे किड़ धा धा धा, हाँ कुछ लीव धन तेरे किड़ धा। यह नरसिंह भगवान की प्रतिमा, और यहाँ पर इस प्रकार का कुछ आर्किटेक्चर है, काफी अच्छी लग रही है देखने में। दिन तेरे दिन ना। यही शिव मंदिर है जिसके अंदर 3 फीट पानी भरा हुआ है, मतलब 3 फीट तक शिवलिंग डूबा हुआ है और उसके ऊपर शिवलिंग है। शहरों की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी से दूर यहाँ पर जो शांति है वह आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। कितना शांत है, कितना मधुर और कितना अच्छा वातावरण है यहाँ पर,
चारों तरफ अच्छे अच्छे इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, सामने केले का बागान है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। इतना शांति, इतना रमणीय स्थल है ये। यहाँ चारों तरफ आपको नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ नारियल का पानी भी बहुत सस्ते में मिल जाता है। अभी हम लोग घूमने के बाद जाएंगे और नारियल का पानी भी पियेंगे। अभी आए हैं एक ऐतिहासिक विरूपाक्ष टेम्पल में। आपने जो देखा था पहले वो था विरूपाक्ष टेम्पल, और ये है प्रसन्न विरूपाक्ष टेम्पल। यहाँ पर क्या है कि ये नीचे गहराई में बनाया गया है, और यहाँ पर पहले 3 टाइम पूजा होती थी, दिन में, सुबह होती थी, दोपहर में होती थी, शाम को होती थी। पर जब युद्ध हुए और काफ़ी सारे मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किया, तो यहाँ का जो शिवलिंग था वो खंडित हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ सीन है। तो यहाँ का शिवलिंग खंडित होने से फिर यहाँ पर पूजा नहीं हो रही है। भाई अब कम से कम पूजा दोबारा स्टार्ट कर देनी चाहिए, कितने साल हो गए हैं इस बात को। तो इसको दोबारा अच्छे से इसका निर्माण, जो इसमें चीज़ें हैं उन सबको सही कराया जाए और यहाँ पर निर्माण कराया जाए। नंदी बाबा की प्रतिमा है, ठीक है, और ऐसा कुछ सीन है ये मंदिर का। और ये यहाँ का गर्भगृह है। अभी अंधेरा हो रहा है पूरे में, बहुत बड़ा मंदिर है अंदर से, और ये बीच का कुछ भाग है यहाँ पर, ये मंडप टाइप का। तो मंदिर तो पूरी दक्षिण भारतीय शैली में बहुत अच्छे से बने हैं, पर यहाँ पर इसको दोबारा से प्रारंभ कराना चाहिए सरकार को या यहाँ के लोगों को, जिससे कि ये जो धरोहर ख़राब होता जा रहा है हमारा, ये रोज़ाना अगर पूजा इसमें होगी और बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे तो इसका संरक्षण होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखनी चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारा पानी है जो कि यहाँ पर विधिवत आर्किटेक्चर को दर्शाता है। ये बीच में मंडप है, इसके चारों तरफ कैनाल्स बनी हुई हैं, और ये गर्भगृह में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पैर धुलना पड़ता था, फिर अंदर जाते थे और जो मेन शिवलिंग है वहाँ पर फिर उसकी पूजा आराधना करते थे। अबे यार लाइट जला, जला तो रखी है, उधर नहीं है भाई साहब, यहाँ पर नहीं है, इधर पानी है, इधर पानी है। यहाँ पर काफ़ी सारी मात्रा में चमगादड़ भी हैं, इधर ये भंडार कक्ष है, इधर ये गर्भगृह है, ऐसा कुछ सीन है। और पानी भी काफ़ी है क्योंकि अब मंदिर बंद है तो कैनाल्स भी बंद हो गई हैं, तो पानी थोड़ा बहुत आ जाता है कैनाल्स के माध्यम से, तो पानी भी गंदा है यहाँ पर। सब कुछ बना ही हुआ है, अगर कोई इसको खरीद भी ले मंदिर को और अच्छी प्रकार से यहाँ पर बढ़िया आर्किटेक्चर और बढ़िया प्रकार से इसकी देख रेख करे, साफ़ सफाई करवाए, भाई साहब पैसे की कमी नहीं रहेगी उसके पास में। ये जो चीज़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये विजयनगर साम्राज्य के समय का गेस्ट हाउस है। यहाँ पर क्या था कि लोग आते थे, राजा महाराजाओं के जो लोग आते थे उनके संबंधित होते थे, वो लोग यहाँ पर आके रुकते थे और यहाँ पर भोजन, विश्राम आदि क्रियाएं करते थे। यहाँ पर ये जो ढांचा है ये पूरा पत्थर का बना था, और इसके ऊपर चंदन की लकड़ियों से यहाँ पर विधिवत तरीके से घर बनाए गए थे, पर जब युद्ध हुए थे और आक्रमण हुए थे तो ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पर एक टकसाल भी है, इसे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी कहते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे, पत्थर बनाए जाते थे, यहाँ पर बहुत सारे लोहे धातुओं का निर्माण किया जाता था, उनसे आभूषण और विशेष प्रकार के यंत्र बनाए जाते थे, युद्धों के लिए शस्त्र बनाए जाते थे, और फिर इन सबको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके जो विरूपाक्ष टेम्पल है उसके बाहर 1 किलोमीटर की मार्केट है, पूरी उसी समय की है, आज भी वैसी ही दिखती है। तो वहाँ पर इन सबको चीज़ों को ले जाकर बेचा जाता था और मुनाफा कमाया जाता था। आज भी अगर इन सब चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर संभाला जाए, अच्छे से यहाँ पर इनकी देखरेख की जाए, तो आज भी इनसे बहुत कुछ इनकम भी हो सकती है और इन सब चीज़ों की हम देखभाल भी कर सकते हैं, और ये काफ़ी लंबे समय तक आगे टिक भी सकती हैं। तो अभी पानी पी लिया है मस्त ठंडा ठंडा, और अब जा रहे हैं अंदर, एक बहुत अच्छी जगह है, इसे रानी महल भी कहते हैं विजयनगर साम्राज्य का। यहाँ पर लोटस महल और वॉच टावर आदि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शनीय हैं देखने को। यहाँ पर ये पुराना स्ट्रक्चर है और यहाँ पर कुछ नए मंदिर बनाए जा रहे हैं, पर मैं आपको लिखकर गारंटी दे सकता हूँ, ये पुराना जितना आज तक टिका है और आगे टिका रहेगा उतना ये नया नहीं टिकेगा। इसलिए दक्षिण भारत की जो प्राचीन वास्तुकला थी वो सर्वोत्तम थी। यहाँ पर जो मेन पोर्शन है इसका, इसके अंदर जाने के लिए टिकट देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को हैं। तो यहाँ पर एक आदमी का 40 रुपये टिकट है, हम दोनों लोग मिल के 80 रुपये दे रहे हैं। ये है हमारे टिकट, ठीक है, और अब अंदर जा रहे हैं। अच्छा टिकट चेक कराना है, तो अभी रानी महल के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। टिकट हमारा चेक हो गया है,
अंकल जी कह रहे थे कि आप स्टैंड नहीं ले जा सकते, पर हमने रिक्वेस्ट की तो हमको कह दिया कि ठीक है आप ले जाइए। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, पर भाई साहब गर्मी भयंकर वाली पड़ रही है यार, पसीने से भीग चुके हैं। और ये हमारे फोटोग्राफर हैं, इनको हम फोटोग्राफी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, 2-3 महीने में इनका भी चैनल खुलवा देते हैं ब्लॉग वाला। यहाँ पर ये रानी महल का अधिष्ठान, मतलब कि ये नीचे का बेसमेंट है जिसके ऊपर रानी महल बनाया जाता था। यहाँ भी वही सेम कहानी है, चंदन से और अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ों से यहाँ पर महल बनाया गया था जिससे कि वह ठंडा रहे। बाकी नीचे का जो स्ट्रक्चर है वह स्टोन का बना हुआ है पूरा अच्छे से भाई साहब। तो ये है रानी महल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये शायद यहाँ पर बंद किया गया, ये बेसमेंट है और अंदर इसके साथ कमरे थे, है ना, ऐसा ही हो सकता है। बंद किया हुआ लग तो नहीं रहा। प्रद्युम्न को एक नई चीज मिली है, ये जब भी आता है मेरे साथ में हमेशा खोजबीन में रहता है कब इसको कौन सी नई चीज मिल जाए। क्या है ये? पानी है। पहले बोतल में भाई साहब मजा आ जाएगा, ठंडा ठंडा है पत्थरों के बीच में। कुआं है आप देख सकते हो, ठीक है, और नीचे पानी भी है इसमें। कैसा कुआं बना है भाई साहब? आज बिल्कुल छोटा सा पतली पतली नालियों के माध्यम से कुआं भरना है। मस्त है यार, पानी भरना है। पहले पानी यार, प्यास लग रही है, सुबह से 2-3 बोतलें हमारी खत्म हो गई। भाई साहब घूमते घूमते बहुत थक गए, पसीने में पूरा भीग चुके हैं और धूप भी बहुत कड़क वाली पड़ रही है यार। कि हमारे सामने ये कोई अच्छा सा महल है, इसकी कलाकृतियों को देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये वॉच टावर रह गया है, ये बना हुआ है पीछे मेरे वॉच टावर। यहाँ पर देखा जाता था पीछे तुंगभद्रा नदी है, तो यहाँ वॉच टावर पर बैठ के चाय पानी का आनंद होता था और तुंगभद्रा नदी की जो लहरें हैं उनका आनंद लिया जाता था।